इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौला खुदादाद में, और ये मौला खुदादाद है किस्सा ख्वानी के बाजार में। किस्सा ख्वानी का बाजार पेशावर पाकिस्तान में मौजूद है, और इस वक्त मुझे तलाश है दिलीप कुमार साहब के घर की। इन भाई से मैंने जब दिलीप साहब के घर का एड्रेस पूछा तो इन्होंने अपने बेटे को मेरे साथ भेज दिया ताकि मुझे तंग गलियों से होते हुए एग्जैक्ट ये उस घर तक मुझे ले चले। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, मौला खुदादाद भी आपको दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल ऑप्शन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो भी मिल सके। इसी तरह चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं दिलीप साहब के घर के बिल्कुल पास, और ये हवेली जो ये बिल्डिंग है ये दिलीप साहब की। न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, मत यूसुफ ये उनका घर है। अरे शहर में आप सा कोई नहीं सारे शहर में आप सा बट था वो भी मौजूद नहीं था कि जिसकी वजह से दरवाजा ओपन तो ना हो सका। न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए। और ये दिलीप साहब का जी घर है, अभी आपको ऊपर से जाके एक ओवरव्यू भी दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर से जाके आपको इनके घर का व्यू कराते हैं कि घर की क्या कंडीशन है। मेरा दिल तो जी ये घर है दिलीप साहब का, और अभी आपको ऊपर से मैं एक व्यू करवा रहा हूँ। ये थी दिलीप साहब का घर जो अभी एक खंडर में बदल चुका है। और अब बात करते हैं आपकी फेमस मूवीज़ की। इसमें इनकी मूवी आन और मधुमति बहुत टॉप की मूवी थी। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। इसमें इनकी मूवी मुग़ल-ए-आज़म जो काफ़ी फेमस थी और काफ़ी अच्छी भी रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बिजनेस किया। इसके बाद इनकी मूवी हो दी ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का। सबसे ज़्यादा दिलीप साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाए, और देखने वाले हमेशा यही समझते थे कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब की जो आवाज़ है ये दिलीप साहब की अपनी आवाज़ है। पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं, पीते पीते कभी कभी यूं जाम। सुपर हिट मूवीज का दौर ये चलता रहा, एक से एक बढ़कर आपने फिल्में बनाई और काफी कामयाब बिजनेस के साथ ही आपकी मूवियां भी चल गई। सुहाना कोई।
घर की खस्ता हाली देख कर काफी अफसोस भी हुआ, काफी दुख भी हुआ। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी। एक वक्त था कि जब दिलीप साहब इस घर में रहा करते थे। आपके बचपन की काफ़ी सारी यादें अब भी इस घर से वाबस्ता हैं। 1985 में जब मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। वो पाकिस्तान आए तो अपने घर तक वो नहीं पहुंच सके थे क्योंकि इतनी हवा में गठी। जितनी वीडियो जितनी हिस्ट्री में आपको दिखा सका वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और स्पेशल थैंक्स काजी साहब का और इस बच्चे का, ये आप दोनों की सपोर्ट की वजह से आज ये वीडियो